नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता शर्मा। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली गोंडा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और उससे भी ज़्यादा हम दुर्गा को मानते थे। दुर्गा की भक्ति इतनी करते थे, नवरात्रों में व्रत रहते थे, व्रत इतना ज़बरदस्त करते थे कि बस एक ही टाइम खाना खाना है, एक ही टाइम पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर दो बार खा लिया तो बस ये सोचते थे माँ दुर्गा नाराज़ हो जाएंगी। और इतना करते करते भी फिर भी मन में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बस ये सोचते थे कि क्या करें। सब बोलते हैं कि एक ही मालिक है, एक ही सच्चा, सबका मालिक एक है, वो कौन सा मालिक है ये सोचते थे, पता नहीं चलता था। फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा के पीछे पड़े थे। हमारे हस्बैंड हैं वो इतना नशा करते थे, मैं ये सोचती थी अगर कोई भगवान है तो इनका नशा छुड़वा दे। यही सिगरेट वगैरह गांजा पीते थे, घर में बहुत कलेश रहता था और जुआ वगैरह भी खेल लेते थे। और इतनी बीमार रहती थी मैं, बहुत बीमार रहती थी हर टाइम। कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ और भी कुछ नहीं तो बस टाइफाइड हो जाता था जल्दी जल्दी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई परेशानी हल नहीं हुई हमारी, और बल्कि हानि हानि होती थी हमें। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भी भक्ति करती थी, माता दुर्गा में आपका अटूट विश्वास था, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बीमार रहने लगी, आपके पति भी नशा करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे देवर हैं, उनके दोस्त हैं गिरीश भगत जी हैं, वो हमारे घर पे आए, ऐसे परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी हमारे हस्बैंड बोले, पता नहीं ये गिरीश तो क्या क्या बोलता रहता है, बस अपने गुरुजी की तारीफ करता रहता है, अपने गुरुजी की तारीफ करता रहता है। जब देखो तीसरे दिन चल देता है यहाँ और बस अपने गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की बातें करता रहता है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या है, हमें नहीं पढ़ना किसी गुरु के चक्कर में। और हम तो, मैं बोलती थी उनसे, नहीं एक बार जाके तो देखो, क्या पता कुछ हो वहाँ पे। तो वे बोलते थे, नहीं पागल है क्या तू, हमारी कोई अभी भक्ति की उम्र है, जब 40-50 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई भक्ति नहीं करनी, हम तो बस अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है, अभी कोई भक्ति वक्ति नहीं करनी हमें, ये बोलते रहते थे वो। तो फिर उन्होंने एक दिन पे आए गिरीश भगत जी और हमें समझाया, भैया एक बार चल के तो देखो, वहाँ पे देखो तो सही, संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पूर्ण परमात्मा हैं वो, और उनका ज्ञान समझो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं वो। तो ऐसी एक दिन आए वो हमारे घर पे और बोलने लगे ऐसी, और हम सब बैठे थे। एक बार हमारे हस्बैंड बोले, नहीं एक बार मैं चलूँगा तुम्हारे साथ गिरीश और मैं देखता हूँ कैसा हिसाब किताब है वहाँ का। बरवाला आश्रम में गए वो वहाँ चले गए, वहाँ जाके उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि हाँ यह तो सद्भक्ति बताते हैं, भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं, और गुरु जो होते हैं वो तो उनके जो शिष्य होते हैं वो नामदान देते हैं, यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद देते हैं अपने उस मुँह से नामदान, हमें नहीं लेना किसी और से, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेना है। वे गए फिर उन्होंने जहाँ पे नाम दीक्षा मिल रही थी वहाँ उन्होंने नियम समझाए, फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। मैंने उनके एक महीना बाद 12 जून 2014 को ले लिया था। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया और वे सही भक्ति करने लगे। सबसे पहला लाभ हमें ये हुआ। अब दूसरा लाभ ये हुआ, उनको डेंगू हो गया था, उनकी प्लेटलेट बहुत गिर गई थी,
17,000 प्लेटलेट रह गई थी उनकी, तो डॉक्टरों ने बोला कि या तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेटलेट चढ़ेंगी, इनके दोनों में से कोई एक चीज़ चढ़वा लो। तो हमने बोला नहीं, हमें नहीं चढ़वानी, हमें अपने परम अपने संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है। हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद उन संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद उनकी 17,000 प्लेट थी, 17,000 प्लेट के बाद ना तो हमने कोई खून चढ़वाया ना प्लेट चढ़वाई। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेट लेट हो गई, और उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मन ही मन प्रार्थना करी थी, उसके बाद उनकी 50,000 प्लेट लेट हो गई, और भगत जी पूरी कपिल कुमार पूरी तरह से ठीक हो चुके। और पर डॉक्टर बोले ये तो कोई चमत्कार है, ना तो उनके खून चढ़ा ना कोई उनके प्लेट चढ़ी, ये तो भाई तुम्हारा कोई चमत्कार है। तो हमने बोला ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। और एक बार मेरे हाथ में सेप्टिक हो गया था 2016 में। सेप्टिक होने के बाद हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर देख के ही मेरे हाथ को दंग रह गए, और बोला डॉक्टर ने अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा सेप्टिक है, तो सेप्टिक कितना होगा। डॉक्टरों ने कहा अरे नहीं ये अब ठीक नहीं होगा तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि संत राम पर कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो अपनी। तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना आराम आ गया संत रामपाल जी की दया से कि मेरा हाथ सही होता ही चला गया, फिर एकदम सही हो गया। बल्कि हमारे डॉक्टर तो यूँ कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा सेप्टिक हो गया है तुम्हारे हाथ में, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि सेप्टिक हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता, इतना हो गया था कि यहाँ से इसे काटना पड़ता, और ये उंगली भी मेरी चलती नहीं थी, बिल्कुल जाम हो गया था हाथ। संत रामपाल जी महाराज जी से इतना लाभ हुआ हमें। एक बार हमारे हस्बैंड और हम कहीं जा रहे थे, और मेरा एक बच्चा है उसका शीनू नाम है, और वो बीच में बैठा था, मैं पीछे, वो चला रहे थे, तो एक मोड़ पे मोटरसाइकिल फिसल गई। उसके बाद फिसलने के बाद हम दोनों, मेरा बच्चा और मैं, गिर गए, और इतनी तेज़ गिरे कि हम मेरे बेटे के सर में इतना मोटा फोड़ा हो गया, और मैं सोचने लगी हाय ये क्या हो गया, अब तो पता नहीं इसको क्या होगा। मैं मन ही मन संत रामपाल जी का सुमरण करती रही, सतनाम का सुमरण करती रही, और सुमरण करते करते मैंने आँख बंद कर ली, आँख बंद करके खोली तो देखा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मेरे बेटे को तो जरा सी खरोच तक नहीं आई, और वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे घर में आर्थिक परेशानी भी बहुत रहती थी, हमारे हस्बैंड सीएनजी पंप जो होते हैं ना उन पे मैनेजर हैं, उसके बाद उन मैनेजर होने के बाद भी घर में इतनी तंगी रहती है। ससुर जी हमारे गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, नाम लेने से पहले हम इतने परेशान रहते थे पैसों से, हर चीज़ से उधार लेना यहाँ वहाँ से, फिर भी हम इतना हार्ड टाइट रहता था, उनकी गवर्नमेंट जॉब है कि बस पूछो मत, ले दे के खर्चा चलाते थे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है हमारे ऊपर, दो दो मकान है हमारे, गाड़ी भी है हमारे यहाँ पे, सब कुछ है, परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर। और लाभ ये है कि एक बार 2017 में मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी, मेरे 106 mm की गांठ थी, उस दर्द होता था मेरे बहुत, डॉक्टरों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बिना निकल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो हमने कहा ऑपरेशन होएगा, अभी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है पहले ही, और अब दूसरा ऑपरेशन होएगा कैसे करूँगी मैं, इतनी सी उम्र है मेरी छोटी सी।
तो डॉक्टरों ने कहा कि देख लो ऑपरेशन तो होना पक्का है इसमें। तो हमने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना हमें, हमें अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा सही भक्ति करो बच्चे, सही भक्ति करो। उसके बाद हम भक्ति करते रहे और डॉक्टरों को दिखाया ऐसी नॉर्मल सी ऐसी एक छोटी सी शीशी दे दी थी उन्होंने पीने की देसी दवाई, उससे ही ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा 106 mm की गांठ थी। डॉक्टरों ने कहा ये कैसा चमत्कार है, हम नहीं मान सकते इसे, तुम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल आई और रिपोर्ट भी ऐसी है। हमारे यहाँ यमुना विहार में बैठते हैं डॉक्टर सोमानी, जो कोई उनकी रिपोर्ट नकार नहीं सकता। और 106 mm की गांठ थी वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से ही बिना ऑपरेशन के 106 mm की गांठ बिल्कुल सही हो गई हमारी। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जबकि डॉक्टर यूँ कह रहे थे कि गांठ घुलने के बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे हमसे कि तुमने चेक करा है प्रेग्नेंट हो या नहीं, हमने कहा हाँ हाँ हमने चेक करा है। फिर डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अपना रिपोर्ट करी, तब कहा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता 106 mm की गांठ ऐसे घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से तो सब कुछ हो सकता है, जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं वो एक गांठ को नहीं खोल सकते, गांठ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सुख ऐसी मिल जाते हैं उनकी भक्ति करने से संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, वो आज 1.5 साल का है और दोनों बेटे मेरे सही हैं, एकदम स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है, सब हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, भक्ति करते हैं और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो क्या, बस मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की का ज्ञान समझें और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब।